भाई गलत बात है ये, आप लोगों ने ना बड़ा वाला रोल अप आ दिया है। आप जानते हो मम्मा को सीक्रेट्स कितने पसंद है, आप मम्मा सीक्रेट कैसे छुपा सकते हो? गलत बात है ये। चुप कर जा सिंह में। नहीं भला जी, उड़ा ले रहे दो इन बहन भाइयों को अपनी माँ का मजाक। मम्मा इश्ता पुत्र, तू तो बेटी थी ना, फिर भी ये सब? और तू तू क्या अपनी माँ को हिपोक्रेसी की दलीलें दे रहा है? हाँ तू भी बाप है ना, आदि और आलिया के टाइम में तुझे क्या हुआ था? इतना तमाशा खड़ा किया था तूने? हाँ उस वक्त तेरी हिपोक्रेसी क्या थी? बाप तू दे तू सही, बेटा तू तभी तू सही, उधर तू गलत कब होता है? मैं चाहता हूं उन्होंने गलती की। बस रिश्ता, क्या तुम्हारा दर्जा इस घर में सिर्फ बहू का है, मेरी बेटी का नहीं? क्या हमें तुम्हारी याद नहीं आती थी? क्या इस माँ का दुख दुख नहीं था? इसकी तकलीफें क्या छोटी हो गई थी? रिश्ता हम तुम्हारे साथ थे, हमने रमन से मुंह मोड़ लिया तुम्हारे लिए, इसलिए कि हमें लगा कि रमन तुम्हारे साथ बेइंसाफी कर रहा है, और तुमने तुमने ये सब किया। यो इस घर में वापस आ रही है, इस बात की खुशी किसे नहीं होगी, लेकिन तुम दोनों ने जो जख्म देकर हमारे ऊपर मलहम लगाने की कोशिश की है ना, वो जख्म बहुत जल रहा है पुत्र। नैनू भी सबसे ज्यादा दुख इसी बात का इशिता, कि तूने माँ होके भी नहीं सोचा कि रमन की माँ उसके लिए कितना तड़पती होगी। मैं इस खोते को रोजाना सपने में देखती थी और मैं सवेरे उठ के रोती थी कि मेरा रमन कब वापस आएगा। संतोष जरा भी तरस नहीं आया इशिता। संतोष मैं कितना रोई हूँ एक साल तक। शांत हो जा। साल बड़ा लंबा टाइम होता है इशिता एक माँ के लिए। संतोष रोना नहीं। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए ना प्लीज। मम्मी जी हमें ये सब पीहू के लिए करना पड़ा ना, अगर पीहू को जरा भी भनक लगती तो वो कभी भी रमन के करीब नहीं आती और खबर कैसे भी शगुन और पीहू तक पहुंच ही जाती ना। हमें उसका भरोसा जीतना था मम्मी जी, प्लीज ना मम्मी जी। आई एम सॉरी मम्मी जी, पर आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। दादी देखो मैं आ गई, अब खुश नहीं हो? पियू तू तो मेरी जान है, ये कैसे हो सकता है पुत्र कि मैं तेरे आने से खुश नहीं हूँ? फिर आप रो क्यों रहे हो? मैं रो कितने रही हूँ पुत्र? ये तो ना मेरे खुशी का आंसू है, तू आई है ना तो इसलिए मेरे खुशी का आंसू निकल रहा है। ये देख मैं तो बहुत खुश हूँ, स्माइलिंग स्माइलिंग है ना। दादी पाती ये सब तो इश्मा और पापा ने किया है मुझे घर वापस लाने के लिए। प्लीज दादी मैं भी तो अपने मम्मा पापा से दूर रही ना, और मैं नहीं चाहती थी कि कोई और अपने मम्मा पापा से दूर रहे। प्लीज दादी प्लीज दादू। नहीं मेरी बच्ची नहीं, रोना नहीं। अल्लाह रोना नहीं आ सिंगर कुट्टी, अल्लाह रोना नहीं। अभी सब ठीक हो गया संतोषी, अभी बोलो माफ कर दिया सबको मेरे लिए। तुम्हारे लिए भाई सब बना दिए, तुमको अच्छा लगता है ना? तो इस घर के जाने तेनु पता है ना? पता है मम्मी जी। सॉरी।
क्या काम है ना? आपसे नाराज नहीं है वो, मुझसे नाराज है। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया। भाई इशिता, पापा गुस्सा जरूर है लेकिन उन्हें बस थोड़े टाइम की जरूरत है, मान जाएंगे। माफ कर दे, माफ क्या करूं।